अब हमारे देश के प्रधानमंत्री 8 नवंबर 2016 को रात 12 बजे आकर बोल देते हैं, भाइयों बहनों आपके अकाउंट में 15 लाख रुपये जाने वाले हैं, हम 1,000 और 500 के नोट को बंद करने वाले हैं क्योंकि आपके अकाउंट में जाएंगे 15 लाख रुपये। भाइयों बहनें सब खुश हो जाते हैं कि हमारे अकाउंट में 15 लाख रुपये आएंगे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल विथ अनदर वीडियो। तो गाइज, अगर आपके घर में 2,000 के नोट होंगे तो फाइनली आप उसे मार्केट में खर्च कर दीजिए या बैंकों में जाकर जमा कर दीजिए, क्योंकि 2,000 के नोट 30 सितंबर के बाद आपके पास अगर होंगे तो वो एक रद्दी कागज के बराबर होंगे, उस 2,000 की कीमत 1 रुपया भी नहीं होगी। तो फाइनली आप उसे अभी खर्च कर सकते हैं मार्केट में, क्योंकि अभी दुकानदार ले सकता है, क्योंकि RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2,000 के नोट वापस लेने की बात कह दी है। यहाँ तक कि RBI ने बोला है कि 30 सितंबर तक आप दुकान में खर्च कर सकते हैं पैसा, दुकानदार लेन देन कर सकता है या तो आप बैंक में ले जाकर जमा कर सकते हैं, लेकिन 30 सितंबर के बाद फाइनली आपके पास अगर 2,000 के नोट होगा तो वो 1 रुपया का भी काबिल नहीं होगा, वो उसका कीमत 1 रुपया भी नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये सवाल हमारे देश के सिस्टम से है कि ऑलमोस्ट 6-6.5 साल पहले इस नोट यानी 2,000 के नोट को चालू किया गया था और 6-6.5 साल बाद इस नोट को बंद करने की नौबत क्यों आ गई, RBI इसको वापस क्यों ले रही है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के GDP को बढ़ाने के लिए 18-18 घंटा मेहनत करते हैं, मेहनत में कहां से चूक आ गई कि RBI ने 2000 नोट 6 साल के भीतर यानी 6-6.5 साल में ही वापस लेने की बात कह दी। और ये सवाल आप लोगों से भी है कि क्या आपके अकाउंट में 15 लाख रुपया है, ये नोट चालू होकर 2000 के नोट चालू होकर बंद होने वाले हैं, लेकिन क्या आपके अकाउंट में 15 लाख रुपया आए? अगर किसी के पास भी 15 लाख रुपया आए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके पास 15 लाख रुपया आए हैं। ये नोट बहुत जल्दी ही बंद होने वाली है, आप लोगों के बीच से गायब होने वाली है। फाइनली 30 सितंबर तक आपको मौका है कि इसको आप जमा कर दीजिए, आपके पास है तो बैंक में या मार्केट में खर्चा कर सकते हैं, दुकानदार ले सकता है। लेकिन सवाल बनती है अपने देश के प्रधानमंत्री अपने देश के सिस्टम से, जो ये सिस्टम डीमोनेटाइज से पहले ये बोला था कि 15 लाख आपके अकाउंट में आएगा, करप्शन को रोका जाएगा, भ्रष्टाचार को रोका जाएगा, जिससे अपने देश के GDP बढ़ेगी, अपने देश के लोगों को फ़ायदा होगा। क्या आपको फ़ायदा हुआ किसी तरह का डीमोनेटाइज को लेकर? और आपने देखा होगा कि इन 6-6.5 सालों में बहुत रेयर केस में आपको बहुत ही कम ATM से आपको 2000 के नोट मिले होंगे। ये 2000 के नोट का अपग्रेड भी नहीं हुआ था बहुत सारे ATM में कि आपको 2000 के नोट मिले। तो फाइनली ये 2000 के नोट हम सभी लोगों के बीच से जा रहा है, 6-6.5 साल हो गया, बहुत ज़्यादा दिन रह चुका 6-6.5 साल हम लोगों के बीच, और इससे कहीं ना कहीं हमारे देश को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। जहाँ तक देखें तो 15 लाख रुपया भी नहीं आए, बहुत सारे लोग इंतज़ार में बैठे थे कि 15 लाख रुपया आएंगे, वो सवाल कर रहे हैं कि कहाँ गया 15 लाख रुपया, नहीं आए किसी के पास 15 लाख रुपया। तो कहीं ना कहीं ये सवाल अपने देश के सिस्टम से है कि क्या फ़ायदा हुआ इस 2000 नोट को चालू करने के बाद 6-6.5 साल के बाद ये बंद हो रहा है, तो इसके फ़ायदा क्या हुए? कुछ ना कुछ RBI को नुकसान तो हो ही रहा था, तभी तो ये RBI ने इसको वापस लेने की बात कह दी। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री 8 नवंबर 2016 को रात 12 बजे आकर बोल देते हैं, भाइयों बहनों आपके अकाउंट में 15 लाख रुपये जाने वाले हैं, हम 1,000 और 500 के नोट को बंद करने वाले हैं क्योंकि आपके अकाउंट में जाएंगे 15 लाख रुपये, भाइयों बहनें सब खुश हो जाते हैं कि हमारे अकाउंट में 15 लाख रुपये आएंगे, 1,000 क्या 500 क्या सब नोट बंद हो जाए उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारे अकाउंट में 15 लाख रुपये आएंगे। जो भी करप्शन का माल हड़पा हुआ है, जो भी ब्लैक मनी है, उसको वाइट किया जाएगा इस 500 और 1,000 रुपये को साइड करके। 2000 लाया गया, क्या फ़ायदा हुआ? RBI को कुछ ना कुछ तो नुकसान हो ही रहा था, जिसके वजह से ये वापस लेने की बात कह दी। 2000 का नोट है, इसके बंद करने से और कुछ तो फ़ायदा नहीं हुआ इन गरीब लोगों पे, मिडिल क्लास लोगों पे, चाहे किसी पे, लेकिन एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि ये 2000 नोट को जमा करने के लिए, घर से निकाल कर बैंकों में जमा करने के लिए किसी भी गरीब को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि भाई 2000 का नोट गरीब के पास है ही नहीं तो लाइन में क्या लगेगा, जमा क्या करेगा। 1,000 500 सभी के पास था जमा के लाइन में लगकर, जितना होगा बहुत ही कम होगा, वो जमा भी हो जाएगा, आसानी से जमा हो जाएगा। ये 2000 के नोट कुछ लोगों के पास ही होंगे और कुछ ग्रुप के पास होंगे या कुछ पूंजीपतियों के पास होंगे, क्योंकि गरीब के पास 2000 के नोट बहुत ही कम मिलेंगे, ना के बराबर मिलेंगे। तो गाइस, क्या आपको क्या लगता है कि ये 2000 के नोट बंद होने के कुछ फ़ायदे हैं या नुकसान है? चालू होने के क्या नुकसान थे, फ़ायदे आपने तो देख लिया। क्या आपको क्या लगता है कि 2000 के नोट बंद होना सही है या गलत है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आगे शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक।